हेलो फ्रेंड्स, आज आपको टॉपिक पढ़ाएंगे पाई चार्ट। बहुत सरल टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस बैंकिंग में और एसएससी एग्जाम में आते हैं। स्पेशली एक उसका डायग्राम बनाया रहता है और उसके चार पांच क्वेश्चन दिए रहते हैं एग्जाम में, और बहुत सरल होते हैं। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आ जाएंगे, वो कुछ भी नहीं है उसमें। देखिए आप, गौर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए अपन ये टॉपिक शुरू करते हैं। ये इस प्रकार का एक चित्र दिया रहता है, इसमें डायग्राम, और इसमें उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से एक परिवार का खर्च दिखाया है कि किस किस आइटम पर या मंथ पर कितना कितना वो परिवार खर्च करता है। जैसे भोजन पर उन्होंने 23% खर्च किया है। यदि टोटल इनकम उनकी 100 रुपीज है तो 23 रुपए टाइम पे खर्च कर देते हैं वो भोजन पर। इसी प्रकार से वस्त्र है, कपड़े 10%, और ये ऐसा पूरा डायग्राम आपको मिलेगा एग्जाम में। इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, पूरे उसने खर्चों को प्रतिशत में बदल दिया है। तो प्रतिशत हमेशा टाइम पे काउंट करते हैं, 100 पे करते हैं, आपको मालूम ही होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम्स में, तो वो डिग्रीज में देता है। डिग्रीज में देता है तो 360 का सर्किल होता है, आपको मालूम होगा। तो 360 से कंपेयर करके बनाते हैं, वो मैं बाद में अगले वाली बात में बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत का, कि प्रतिशत को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन इसका देखते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, यदि कुल खर्च 40,000 रुपए है, 46,000, तो भोजन पर कितने रुपए खर्च किए। देखेंगे इसको अपन रेशियो प्रोपोर्शन से हेल्प से बहुत जल्दी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल पूरा सर्किल कितने परसेंटेज में कन्वर्ट किया हमने, 100 का परसेंटेज का पे काम करते हैं 100 पे, और भोजन कितना 23%। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रेशियो प्रोपोर्शन की हेल्प से करेंगे, ये 23 हो गया, ठीक है। 23 100 में से कितना 23 भोजन पर खर्च कर रहा है, तो टोटल पैसा उसने कितने करे 46,000, उस पर कितना हुआ एक्स। ऐसे आप इक्वेशन बनाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का, यहाँ पर परसेंटेज में दिया है तो यहाँ पर भी परसेंटेज में दिया है, यहाँ पर रुपीज में दिया है तो यहाँ पर भी रुपीज में आंसर आएगा। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आ जाएगा। इसको 100/23 लिख लेंगे, और यहाँ लिखेंगे आप 46,000/x, क्लियर। एक्स को इधर चले जाएंगे, एक्स इधर चला जाएगा, 46,000/23/100 हो गया, 0,0 कैंसिल हो गया। अब इसको आप मल्टीपल कर लेंगे, 46,000/23 से मल्टीपल कर लेंगे, 10,580 कितना खर्चा आया, 10,580। ऐसा ही अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा है यदि कुल खर्चा परिवार का कितना है 46,000, तो वस्त्र और आवास पर दोनों पर मिलाकर कुल कितना खर्च हुआ ये देखना है। तो वस्त्र देखिए 10% है, आवास कितना है 15%, दोनों को टोटल कर देंगे तो कितना जाएगा 25%। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अभी अभी मैंने बताया था रेशियो प्रोपोर्शन का, टोटल कितना हो जाएगा उनका, टोटल 25, और यहाँ कितना है 46,000 रुपीज खर्चा, यहाँ पर क्या है एक्स, ये समझ में आ गया आपको। इस तरीके से आप कर लेंगे तो 100/25 = 46,000 सॉरी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 25 हो गया, तो एक्स बराबर 46,000/4, ये भी काट लेंगे आप तो आंसर कितना आ जाएगा, 4×4 ये तो x बराबर हो गया आपका 11,500। ये रुपीज आपके काफी खर्चे हुए हैं भोज वस्त्र और आवास दोनों को मिलाकर, क्लियर। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें लिखा हुआ है आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर किए गए खर्च का अनुपात बताइए, अनुपात माने रेशियो, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है अपन को। सबसे पहले नाम किसका दिया है आवास का, तो आवास का है ये रहा, इस पर कितना किया 15%, तो अपन ऐसे लिख लेंगे आवास
और नीचे क्या लिख देंगे, दूसरा क्या लिखा है, शिक्षा अनुपात निकालना है, रेशियो इसके डिवाइड करना है हमको यहाँ पर, तो उसका उसका वैल्यू कितनी थी 15% 15% और उसकी कितनी है शिक्षा की 12%, ये हो गया। इसको काट लेंगे अपन तो क्या आ गया आपका रेशियो 5:4। क्लियर? इसी तरह के पेपर में एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, सिंपल होते हैं। देखिए कभी इन दोनों को ऐड कर देगा, पूछ लेगा कितना खर्चा हुआ, कभी इन दोनों को ऐड कर देगा, कभी कहेगा बचत कितनी हुई, कितने रुपए बचत हुई, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे और उम्मीद है आप कर पाएंगे। इजी है टॉपिक, कोई ज्यादा टफ वाला नहीं है, लेकिन हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आना ही है, 100% आना है, इसलिए थोड़ा सा जरूर इसको पढ़िएगा और एक बार ऐसी फिगर बना के वो देगा और 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप ये ना सोचें कि इसको देखने में हमारा समय खराब हो रहा है, क्योंकि आपके 5 क्वेश्चन सही भी तो हो रहे हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिएगा अपने बुक्स में से, नोट्स में से, और कोई क्वेश्चन अगर आपको परेशान करे तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका सहयोग करने के लिए, सॉल्व करने के लिए।